हमारी आज की कहानी एक हवाई सफर से शुरू होती है। जहाज के सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर लोगों की सेवा कर रहे थे। इसी बीच फिन नाम का लड़का एक एयर होस्टेस की पीठ पर हाथ लगाता है। इस लड़की का नाम विना था। फिन उससे कहता है कि गलती से हाथ लग गया, जिसके बाद विना मुस्कुराकर चुप कर जाती है। विना को पता था कि हाथ गलती से नहीं लगा। जल्दी ही सभी कर्मचारी फिर से काम करने लगे। विना भी लगातार काम कर रही थी और फिन फिर से उसकी पीठ को हाथ लगाने की कोशिश करता है, मगर इस बार विना इतनी तेजी से घूमी कि उसके हाथ से टकराकर फिन जख्मी हो गया। अब विना फिन से माफी मांगकर कहती है कि उससे गलती हो गई। हमारी विना पूरी तेज तरार और लोमड़ी के दिमाग वाली लड़की थी। उसने जिस तरह से लोफर फिन को सबक सिखाया वो देखकर सभी तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद सफर खत्म हो गया। जहाज के सभी कर्मचारी एक होटल में आ गए। विना भी इसी होटल में पहुंच चुकी थी। वो इस होटल में पूरा एक दिन गुजारने वाली थी क्योंकि उसकी अगली फ्लाइट 24 घंटे बाद थी। होटल वालों से अपने कमरे की चाबी लेकर वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आती है। पूरे 12 घंटे काम करने के बाद अब जाकर उसे आराम मिला। वो नहा धोकर कुछ देर आराम करती है। शाम को विना होटल का मेनू कार्ड देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब उसने बाहर जाने का मन बना लिया, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होकर एक बार में पहुंच जाती है। बार में उसे एक कोने में जिमी नाम का आदमी नजर आता है। वीणा को जिमी पसंद आ गया, जिसके बाद वो दोनों मिलकर दारू पीने लगे। दारू पीते पीते जिमी उसे बताता है कि वो एक कारोबारी आदमी है और पास के होटल में अकेला ही रुका है। जब वो होटल का नाम बताता है तो वीणा उसे बताती है कि वो भी उसी होटल में रुकी है। वीणा को जिमी काफी समझदार लगा, इसलिए उसने जिमी को अपने बारे में बताया था। थोड़ी ही देर बाद विना काफी दारू पीकर अपने कमरे में वापस आ गई। वो जैसे ही सोने लगी तो कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। विना जल्दी जल्दी उठकर जब दरवाजे के पार देखती है तो उसे दरवाजे पर जिमी नजर आता है। जिमी को देखकर विना ने दरवाजा खोल लिया, जिसके बाद जिमी उससे कहता है, मेरा कमरा भी तुम्हारे कमरे के पास ही है। कमरे में मेरा मन नहीं लगा इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसकी बात सुनकर विना पहले तो उसे जाने को कहती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने जिमी को अंदर बुला लिया। अब कहानी अगले दिन शुरू होती है। विना जैसे ही नींद से जागती है तो अपने कपड़ों पर खून देखकर हैरान होती है। बिस्तर पर जिमी की लाश पड़ी थी। लाश देखकर विना का मन खराब हो गया और वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर उल्टी करने लगी। विना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ और जिमी की मौत कैसे हुई। वो याद करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसने भी कल रात बहुत दारू पी थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आता। विना ने नहा धोकर अपने कपड़े बदल लिए और वो अब लाश के बारे में सोचने लगी। जल्दी ही उसने लाश को पहले छुपाने का फैसला कर लिया। वो लाश को बाथरूम में लाकर उसे बाथटब में छुपा देती है। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र बिस्तर की चादर पर पड़ती है। चादर पर अभी भी बहुत खून था। विना ने अब खूनी चादर को भी छुपाने का मन बना लिया। वो चादर को एक कोट कवर में छुपाने लगी थी। होटल के हर कमरे में पहले से ही कुछ कवर होते थे और विना ने उसी कवर में चादर को छुपा दिया था। वो जैसे ही कवर को अलमारी में रखती है तभी दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर सफाई करने वाली रेचल थी। वो विना से गंदे कपड़े और कमरे की सफाई के बारे में पूछती है। विना उससे कहती है कि मेरे सभी कपड़े साफ है और मेरे कमरे को भी सफाई की जरूरत नहीं। विना अपनी बात खत्म कर दरवाजा बंद करती है, जिसके बाद रेचल दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। विना कमरे के अंदर से रेचल को देख रही थी। रेचल जैसे ही दूसरे कमरे के अंदर जाती है तो विना बाहर आकर उसकी ट्राली से सफाई का सामान चुरा लेती है। कुछ ही देर बाद विना ने पूरे कमरे की सफाई कर दी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए। काफी सोचने के बाद वो इतना तो समझ जाती है कि लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे समय चाहिए। यही बात सोचकर वो अपनी एयरलाइन को फोन करती है। वो उनसे झूठ बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। विना ने बहुत सफाई से झूठ बोला था, जिसके कारण उसे एक दिन की छुट्टी मिल गई। अब विना ने कुछ देर आराम करने का मन बना लिया ताकि उसका दिमाग ठंडा हो सके और फिर वो लाश के बारे में सोच सके। आराम करने के बाद जब वो उठती है तो उसका पैर एक चाबी पर पड़ता है। यह चाबी जिमी के कमरे की थी। रात को जब जिमी उसके घर आया था तो चाबी उसकी जेब में ही थी। देखते ही देखते विना तैयार होकर जिमी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। होटल वालों ने कमरों के बाहर कैमरे नहीं लगाए थे ताकि लोग बेफिक्र होकर यहाँ आ सके। विना जल्दी ही जिमी के कमरे में पहुँच गई। वो जिमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। अगर जिमी कोई मुजरिम होता तो वो कोई कहानी बनाकर पुलिस को बेवकूफ बना सकती थी। कमरे की तलाशी लेते लेते विना के हाथ जिमी का लाइसेंस लग जाता है। जिमी ने विना को अपना नाम और अपना काम गलत बताया था। जिमी का नाम कुछ और था और वो एक अच्छा लेखक था। जिमी का सच जानकर विना परेशान हो गई। इसी बीच उसे याद आने लगता है कि रात को जिमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के लिए विना ने उसको मार दिया था।
वो अब जल्दी जल्दी जिमी का सामान उठाकर अपने बैग में डालने लगी ताकि होटल वालों को लगे कि जिमी कहीं भाग गया। विना अपने कमरे में आकर जिमी की सारी चीजें खराब कर देती है ताकि पुलिस भी उसके बारे में कुछ न जान सके। अपनी अगली योजना पर काम करने के लिए विना को कुछ सामान चाहिए था और वो उसे खरीदने बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद केविन नाम का प्लम्बर विना का कमरा खोलता है। उसी पल विना भी बाहर से आ गई और वो जल्दी जल्दी केविन को रोककर उससे उसके बारे में पूछती है। केविन बताता है कि मैं होटल के लिए काम करता हूँ, नीचे वाले कमरों में गंदी बदबू आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे बाथरूम को देखने आया हूँ। विना उसे रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो मर्जाना सीधा बाथरूम में घुस जाता है। विना को पूरी उम्मीद थी कि केविन की नज़र लाश पर जरूर पड़ेगी जिसके बाद उसे भी मारना पड़ेगा, लेकिन केविन जैसे ही टब की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसका फोन बजता है। ये फोन होटल के मैनेजर का था। वो केविन को बताता है कि बदबू ऊपर से आ रही है। फोन सुनकर केविन वहाँ से चला गया, या कह लीजिए विना के हाथों मरने से बच गया। उसके जाने के बाद विना अपना वो सामान बाहर निकालती है जो वो बाजार से लेकर आई थी। देखते ही देखते वो तैयार होकर लाश के टुकड़े करने लगी। टुकड़े करने के बाद वो बाथरूम को भी साफ करती है ताकि पीछे कोई सबूत ना रह जाए। विना ने छोटे टुकड़े एक छोटे बैग में रख लिए, बड़े बड़े टुकड़े उसने बड़े सूटकेस में डाल लिए। पूरा दिन काम करने के बाद रात को वो आराम से सो जाती है। अगले दिन विना पूरी तरह से तैयार थी। आज उसने दो काम करने थे, एक तो उसने लाश को ठिकाने लगाना था, दूसरा अपने काम पर भी जाना था। जाने से पहले वो पूरे कमरे की जांच करती है कि कहीं कोई खून का निशान तो नहीं रह गया। इसके बाद वो हर जगह से अपने और जिमी के निशान खत्म करती है। पूरी तसल्ली होने के बाद वो अपना छोटा बैग और बड़ा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल आई। विना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। देखने वाले सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस खूबसूरत लड़की के पास एक लाश है। होटल वालों को कमरे की चाबी देकर वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ती है। यह गाड़ी बुजुर्ग लोगों को छुट्टियों पर लेकर जा रही थी। विना की टैक्सी को आने में अब भी समय था। वो मौका देखकर छोटे बैग से टुकड़े निकालकर कचरे में फेंक देती है। इसके बाद उसकी नज़र एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है। वो उनके पास आकर पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जोड़ा उसे बताता है कि तुम हमारा सामान गाड़ी में रखकर हमारी मदद कर सकती हो। विना उनकी मदद करने लगी और मौका देखकर अपना सूटकेस भी गाड़ी में रखवा देती है। अब विना के पास कुछ नहीं था और तभी उसकी टैक्सी भी आ जाती है। कुछ देर बाद रेचल विना के कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसकी नज़र कवर में रखी चादर पर पड़ती है जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा देती है। उधर विना अपने जहाज में बैठी उसके उड़ने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच पुलिस भी जहाज में पहुंच जाती है। विना आंखें बंद कर कुछ सोच रही थी और तभी उसे याद आता है कि चादर तो वो कवर में ही भूल आई। अपनी गलती याद कर विना बेहद डर गई थी। उसी पल एक पुलिस वाला उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। पुलिस वाला विना को गिरफ्तार करने लगा था लेकिन विना मौका देखकर उसे भी जान से मार देती है। कहानी के आखिर में पुलिस ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। हमारी बदकिस्मत विना ने बचने की बहुत कोशिश की थी लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।